सुनहरा ही सुनहरा रेड कार्पेट को पूरा गोल्डन कार्पेट बना दिया है आज। अब गोल्ड अवार्ड है तो गोल्डन तो होना ही चाहिए। किस तरह की तैयारी की है आपने गोल्डन कार्पेट पे आने के लिए? मैंने आज पहली बार इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया जो मैं कभी पहले बनाती नहीं हूँ, और मैंने कुछ अलग तरह से, जब रोज़ मैं माता जी में दिखती हूँ वैसे लगता है कि मैं दूसरी तरह से साड़ी पहनी है, और मैंने कोशिश की है कि मैं, मेरा एक्साइटमेंट यहाँ पर यह है कि मैं अपने सब पुराने दोस्तों से जिनसे मैं नहीं मिल पाती उनसे मिलूँगी। तो ये जितने भी अवार्ड सेरेमनी होते हैं, ऐसे नाइट्स होते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ मिलने का एक अवसर मिलता है। अच्छा, गोल्ड अवार्ड है, गोल्ड सब कुछ है, तो गोल्ड में क्या पसंद है आपको? क्या मेरे ख्याल से मुझे झुमके बहुत पसंद है, गोल्डन झुमके, और क्या बोलते हैं, मुझे याद है जब मैंने उसके दिन मैरिड तब भी मैंने मेरी माँ को कहा था कि मुझे गोल्ड के बड़े बड़े झुमके चाहिए। तो कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह मिला था आपको, कहीं याद है जो स्पेशल था आपके लिए गोल्ड आज यहाँ पर? हाँ यहाँ पर क्या इन्विटेशन ही अपने आप में इतना स्पेशल है, प्लस मेरे लिए आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास, जब आप मुझे स्टेज पर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सरप्राइज़ क्या है। जी हाँ, मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड हूँ, और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस ने अब तक तो वोट कर दिया हो, बट अगर मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सरप्राइज़ नहीं रख सकते हम लोग क्योंकि मैं अभी बता दूँगी तो क्या पता कुछ लोग भाग जाए यहाँ से। थैंक यू सो मच।